गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बरुण मैथ्स क्लास। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। सो बाय मेथड ऑफ रेसिड्यू दैट 0 to π ए डी थीटा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पाई अपॉन अंडर रूट 1 + a² वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये कंटूर इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम है। कंटूर इंटीग्रेशन जो अपन लास्ट 3 वीडियो में कर रहे थे उसी का प्रॉब्लम है ये। बिकॉज कि आप इससे ज़्यादा फैमिलियर नहीं है कंटूर इंटीग्रेशन से, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये क्या है, कॉसी के रेसिड्यू थ्योरम से इसको अपने को इवेल्युएट करके इसका आंसर ये ला के बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 0 से π है। तो हमने इससे पहले लास्ट दो तीन वीडियो में ये पढ़ा था 0 से 2π, तो वो क्या रहता है, 0 से 2π में वो यूनिट सर्कल रहता है, वो यूनिट सर्कल रहता है जिसका रेडियस, जिस सर्कल का रेडियस 1 रहता है। यहाँ पास क्या है, 0 से π है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। वी हैव 0 to π ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास है। अपन क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, 0 to π ये हो जाएगा 2a d थीटा अपॉन a² प्लस 2 sin² थीटा, ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ अपन जानते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किए, इसका रीज़न आपको मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए, वी नो दैट cos² θ इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin² θ। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 2 sin² θ इज इक्वल्स टू 1 - cos² θ होगा। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट अप कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0 to π 2a d थीटा, ये हो जाएगा 2a² प्लस 2 sin² θ की वैल्यू 1 - cos² θ, ये वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2θ को अपन φ लेकर चलते हैं, लेट 2θ इक्वल्स टू φ। जब 2θ को अपन φ लेकर चलेंगे तो ये जो है इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 रहेगा तो फाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। जब थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2π। अब क्लियर हुआ, अपन उसको 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किए थे, इसी कारण किए थे क्योंकि 2θ को अपन फाई लेंगे तो ये यूनिट सर्कल के प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगा, है ना। यूनिट सर्कल के प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगा तो यहाँ से इसको इवेलुएट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गया, 2θ के बदले में अपन फाई रख लिए। तो यहाँ से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2d थीटा इज इक्वल्स टू d φ, ठीक है। तो 2d थीटा के बदले में d φ, ए d φ हो जाएगा ये, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2a² प्लस 1 - cos φ, ये मिलेगा आपको, ठीक है। और अपन जानते हैं, वी नो दैट e² θ इक्वल्स टू z, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, e² φ इक्वल्स टू z लिख देंगे और इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e² φ इंटू d φ इज इक्वल्स टू dz। तो d φ की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, d φ इज इक्वल्स टू dz अपॉन i,
और ये ई टू द पावर आई फाइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाइव इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई, और इसकी वैल्यू जेड है तो ये जेड हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से ये क्या मिलेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मिलेगा 0 to π, 0 to 2π, और ये हो गया ए डी फाई, और ये हो जाएगा 2a² प्लस 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर आई फाई प्लस ई टू द पावर माइनस आई फाई अपॉन 2। क्लियर है, इसका फॉर्मूला ही होता ही है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 2 को एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से आप 2 को एलसीएम ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 0 to 2π, ये हो जाएगा ए डी फाई अपॉन ये 2 2 4a² प्लस 2 माइनस ई टू द पावर आई फाई और प्लस ई टू द पावर माइनस आई फाई, ये मिलेगा, और ये जो 2 है ये न्यूमरेटर बन के यहाँ पास आ जाएगा। क्लियर है, अब क्या करते हैं, यहाँ पास आई फाई को अपन जेड रख देते हैं, आई फाई इज इक्वल्स टू जेड, तो ये जो यूनिट सर्कल है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी 2a को मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ, 2a ये हो जाएगा डी फाई, ये हो जाएगा 4a² प्लस 2 माइनस जेड प्लस 1/z, ये आपको मिलेगा। और डी फाई की वैल्यू, आप क्या निकाले थे, डी जेड बाई आई जेड, ये निकाल सकते, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए जैसे ये आई को भी आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा 2a/i, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 1/4a² प्लस 2 माइनस, यहाँ से जेड को आप एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी जेड अपॉन जेड, तो ये आ जाएगा 2a i, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 1/, अब जेड का मल्टीप्लाई सभी के साथ कर लिए, इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 4a² जेड प्लस 2z, ये आ जाएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 dz, ये आपको मिलेगा। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये आप यहाँ से इसको बाहर ले सकते हैं, 2a i, और यहाँ से आप क्या कीजिए, माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस को आप कॉमन निकाल लीजिए, माइनस को ऊपर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड को कॉमन निकाल लीजिए आप, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस को कॉमन निकालें तो माइनस 4a² माइनस 2z, और ये तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस हो जाएगा, और ये हो गया डी जेड, ये आपको ये मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस 4a² जेड प्लस 1 dz, ये मिलेगा। ये क्या मिला आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। यहाँ से आप चाहे तो माइनस के बदले में आई स्क्वायर लिख लीजिए, ये 2a i² हो गया अपॉन आई, ये हो गया सी, ये हो गया 1/z² माइनस 4a² प्लस 2z प्लस 1 dz, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2a i c 1/z² माइनस 4a² प्लस 2z प्लस 1 dz, ये मिला।
और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है अपने को। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द a, a इज इक्वल्स टू 1, b की जगह में कितना है, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 2, और c की वैल्यू कितना है 1। तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह में माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2, ये मिलेगा प्लस माइनस, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 16a टू द पावर 4 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 4ac की जगह में माइनस 4 अपॉन 2a की जगह में 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस, अंदर में आप 16a स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और नीचे में बचेगा 2, यहाँ से z इज इक्वल्स टू ये 4a स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से प्लस माइनस, ये बाहर आएगा तो 4, ये आएगा a और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ से क्या बचेगा, z इज इक्वल्स टू 2 को कॉमन ले लिए, तो हो गया 2 2 ज़ा 4, 2a स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया प्लस माइनस 4a अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से आप इसको कैंसिल करवा दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो z इज इक्वल्स टू आया 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2a 1 प्लस ए स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आई 2a स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस माइनस 2a 1 प्लस ए स्क्वायर। इसके दो रूट होंगे, एक रूट को आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसके दो रूट होंगे, एक रूट को अल्फ़ा मान लीजिए, लेट इसका एक रूट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर है, और दूसरा रूट को बीटा मान लीजिए, ये है 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई आपको। अपन किसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ ऊपर में, ये 2ai c 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 dz, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, तो ये जो है अपना डिनोमिनेटर, ये जो है जेड स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 जो है ये किसके बराबर में होगा, ये जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा, इसका फैक्टर यही निकलेगा, ये देखिए डिनोमिनेटर का फैक्टर यही निकलेगा, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, आप क्लास टेंथ में पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बाई ए, यहाँ सी वन है ए वन है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास क्या आ गया, 1, ठीक है। वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 1,
यदि यहाँ ए की वैल्यू आप कोई सा भी नंबर रख कर देखिए, डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वन से ज़्यादा आएगी, एंड बीटा इज़ ऑलवेज लेस देन वन। बीटा का मान जो है हर हमेशा वन से कम ही आएगा। क्यों? आप यहाँ पास वैल्यू रख कर देख लीजिए, ए के बदले में कोई नंबर रख कर देख लीजिए, हर हमेशा बीटा का मान जो है वन से कम ही आएगा। तो क्या है इसका पोल्स कैसे निकलेगा? देखिए, डिनोमिनेटर को जीरो करने से इसका पोल्स निकलता है ना। तो इसका पोल्स में क्या निकला, अल्फ़ा इंटू बीटा को अपन इसके बराबर किए तो केवल बीटा ही एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू जो है वन से कम आ रही है। मतलब ये यूनिट सर्कल का प्रॉब्लम है, यूनिट सर्कल में ये वन से माइनस वन के बीच में होता है और बीटा की वैल्यू जो है वन से कम है। मतलब ये सर्कल के इन साइड में लाइज कर रहा है, ओनली बीटा लाइज इन साइड द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के अंदर कौन लाइज कर रहा है? केवल बीटा लाइज कर रहा है, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू को भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्फा और बीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू है 2a² प्लस 1 प्लस 2a प्लस 2a² प्लस 1 प्लस 2a अंडर रूट 1 प्लस a² और बीटा की वैल्यू है 2a² प्लस 1 माइनस 2a 1 प्लस a². तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि केवल बीटा की वैल्यू जो है वन से लेस है, इसलिए ये सर्कल के इनसाइड में लाइज कर रहा है। तो यही पास आप रेसिड्यू निकाल सकते हैं, ये पोल्स मिला है ना, पोल्स, और यही पास आप इसका रेसिड्यू निकाल सकते हैं। रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू बीटा, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू बीटा। ये सिंपल पोल है, सिंपल पोल का रेसिड्यू कैसे निकलेगा? लिमिट जेड टेंस टू बीटा आप पहले भी जान चुके हैं, है ना। अपन रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, मेरे पहले वीडियो में देखिएगा, पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। रेसिड्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, रेसिड्यू कितने प्रकार के होते हैं, पूरा वीडियो नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। पोल्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ऑर्डर m के पोल्स रहते हैं तो उसका रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल पोल रहता है तो उसका रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, है ना, ये पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। पोल्स के प्रकार होते हैं, रेसिड्यू तो फिर उसी मेथड से अपन निकालते हैं, ठीक है। जैसा सिंपल पोल रहेगा तो सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू के लिए अलग मेथड है, जब ऑर्डर m का पोल्स रहेगा उसके लिए रेसिड्यू निकालने का अलग मेथड रहेगा। फिलहाल यहाँ पास क्या है, जेड बराबर बीटा जो है यहाँ पास सिंपल पोल है, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू बीटा जेड माइनस बीटा, और क्या हो जाएगा, जेड माइनस बीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या था, 2ai अपॉन ये जेड माइनस अल्फा, इसका फैक्टर जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा था, तो जेड माइनस बीटा और जेड माइनस बीटा कैंसिल हो गया। अब जेड बराबर बीटा रख दीजिए इस पे, तो ये आ जाएगा रेसिड्यू, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू बीटा पे आपको आ जाएगा 2ai अपॉन जेड के बदले में बीटा, बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा माइनस अल्फा मिल जाएगा यहाँ। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ रेसिड्यू मिल जाएगा आपको, तो ये जाएगा 2ai, बीटा की वैल्यू रखिए क्या है, 2a² प्लस 1 माइनस 2a 1 प्लस a², ये हो गया बीटा की वैल्यू, माइनस अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, ये 2a² माइनस 1 और माइनस 2a 1 प्लस a², तो ये क्या हो जाएगा, 2a² 2a² 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 2ai अपॉन ये हो जाएगा माइनस 4a 1 प्लस a²
ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा। माइनस को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, माइनस को मैं ऊपर ले गया, माइनस टू ए आई, यहाँ टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, ए और ए भी कैंसिल करा सकते हैं, तो यहाँ पास बचा माइनस आई, नीचे में बचा टू अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर। ये रेसिड्यू है ना, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू बीटा। फिर आई को माइनस को मैं लिख दिया आई स्क्वायर, तो ये हो गया आई क्यूब और ये हो गया टू वन प्लस ए स्क्वायर। ये निकला आपका रेसिड्यू, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू आई क्यूब अपॉन टू वन प्लस ए स्क्वायर। ये आपको यहाँ पास इसका रेसिड्यू मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पास कॉसी रेसिड्यू थ्योरम लगा दीजिए, बाय यूजिंग कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, बाय यूजिंग कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। कॉसी रेसिड्यू थ्योरम क्या है? सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू टू पाई आई, और ये है सम ऑफ द रेसिड्यू सम ऑफ द रेसिड्यू। यहाँ तो केवल एक ही रेसिड्यू है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एफ जेड की वैल्यू जो है आपके पास, ये जीरो से पाई है, इसकी वैल्यू क्या है, ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टू पाई आई, और रेसिड्यू क्या निकला यहाँ पास, आई क्यू अपॉन टू वन प्लस ए स्क्वायर। तो आई थ्री आई वन, आई फोर हो गया, ये टू और टू कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा पाई अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल गया, ये राइट हैंड साइड जो है ये प्रूफ हो गया है ना। तो जो अपने को क्वेश्चन लाना था राइट हैंड साइड में, जो सॉल्यूशन लाना था वो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, कंटूर इंटीग्रेशन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 8 मार्क्स के लिए। आप इसको बार बार ट्राई कीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और कल हम लोग फिर से कंटिन्यू रखेंगे, रेसिड्यू कंटूर इंटीग्रेशन ही कंटिन्यू रखेंगे, या तो अपन उसमें यूनिट सर्कल के कुछ अच्छे प्रॉब्लम मिलेंगे तो यूनिट सर्कल के ऊपर, या सेमी सर्कल के ऊपर अपन कल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।